हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। संधि के शर्त पर विचार न कर ली नाना जी, सम्मान के संगे सीता के लौटा दी ही। तैकरा में हानि का बा हमार लाल, हानि हानि ही हानि बा। आकाश में फहरात रावण के झंडा, धज्जी बन के धूरी में मिल जाई। दसों दिशा हमरा नाम पर थूकी, दसों दिशा के विजेता थूक के चाट लेलस। बड़ा अकड़ के साथे चेर बन के सीता के उठा ले ले रहे, और सियार की तरह डरा के ओकरा वापस लौटा देलस। ए प्रस्ताव के मानल ही हमार पराजय बनाना जी। बेटा तू है सच्चाई से मुंह मोड़ के बैठल बाड़ा, ये सगरे लोक मात राम के संगे बा। देवता नाग गंधर्व ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जौन ब्रह्मा और शिव शंकर के वरदान पर घमंड कर रहल बाड़ा, वो भी तुहार काम के अधर्म मान के राम के विजय के कामना कर रहल बाड़न। तू दिग्विजयी बाड़ा, बाकी दिग दिगंत में तुहार हित चाहे वाला केहू नहीं खेलंगेश। वत्स भगवान ब्रह्मा देव और दानव ये दो ही पक्ष बनेले बाड़न। देवता लोक के बल बा धर्म, और दाना लोक के बल अधर्म, बाकी अंत में विजय धर्म के ही वो खेला। वो हर ऋषि और देवता लोक के धर्म उनकर पक्ष के वृद्धि कर रहल बा। यदि युद्ध भय तो विजय उनकरे होगी। वो तुच्छ वानर और मानवन के विजय हुई। नाना जी आपके मति भ्रम कैसे हो गई बा? इनका आप तुच्छ वानर समझत हैं, उनका में कितना देवता के गुप्त अंश है ये आप नहीं ही जानत। उनकर सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख भगवान सूर्य के पुत्र बाड़न, हेमकुट वरुण के, नल विश्वकर्मा के, और महापराक्रमी दुर्धर वसु के पुत्र है, नील अग्नि के पुत्र है। राजकुमार अंगद जे आज राज दरबार में आयल रहल, वो देवराज इंद्र के नाते हा। ऋषराज जामन जेकरा आप बूढ़ा समझत हैं, वो ब्रह्मा के पुत्र बहुत शांत दिखेलन, बाकी उनकर चोट बहुत असहनीय हो खेला। वो देवासुर संग्राम में इंद्र के बहुत सहायता कैले रहलन, अमृत मंथन के समय भी वो उपस्थित रहलन। लंकेश इनका में से हर एक अकेले ही लंका के विनाश कर सकेला। वीरता पर बुद्धि के अंकुश आवश्यक बा, ऐसे कबो युद्ध ना कैल अधिक बुद्धिमानी हो खेला। महाराज ऐसे अच्छा अवसर फिर ना आई, संधि के प्रस्ताव शत्रु पक्ष से आइल बा, इस समय आपके मस्तक ऊंचा बा। आपके एक और दूसर पक्ष दिखाई ना दे रहल बा नाना जी, हमार शक्ति से भयभीत होके शत्रु संधि के हाथ बढ़ाई ले बा, ये हमार विजय के पहला लक्षण बा। जाए निश्चिंत होके आपन घर में विश्राम करें, राजनीति और रणनीति में माथा खपावे के अब आपके उम्र ना रहल। अच्छा होने बड़ा प्रबल बा। दानवराज मैं हे धर्म पिता रावण के करबद्ध प्रणाम स्वीकार करी। चिरंजीवी होकर यशस्वी होकर तात, हम आपके बहुत आभारी हैं दानवराज। हम तका लंका के बच्चा बच्चा आपके चमत्कार के नमस्कार करता। एगो जंगली उद्दंड वानर संसार के सबसे सुंदर लंका के उजाड़ देहलस। आप लंका के पहले जैसन ही सजा देहली, जैसे आग के लपट में तप के सोना के लंका और भी चमक उठल होके। लंका के इस चमक युग युग तक बनल रहे, यही चिंता से व्याकुल होके हम आपके द्वार पर आयल हैं राक्षस राज। लंका के राजा आपके उपकार मानेला दानवराज, आप हमरा से जे चाही मांग सकेली। इस समय दानवराज मैं ना एक बेटी के पिता अपना जमाई के द्वार पर कुछ मांगे आइल बा।
बेटी के पिता, कन्यादान देवे वाला बेटी के द्वार पर कबो कुछ मांगे ना जाला, वो हमेशा देत ही रहेला, ये जुग जुग के रीत बा।